तो आर्थिक रूप से स्वावलंबन के इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त होगी। मैं धन्यवाद दूंगा HDFC को, उन्होंने आज यद्यपि कोविड कालखंड में गोरखपुर प्याड़ी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन प्लांट लगाया और उसका चेक उपलब्ध करवाया। ऑक्सीजन प्लांट के क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो तमाम बैंकर्स ने हमें ऑक्सीजन प्लांट दिए, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी उपलब्ध कराए। आज प्रदेश के अंदर हमारे पास 552 ऑक्सीजन प्लांट लगे हैं, यानी सेकेंड वेव के बाद अप्रैल यानी मई 2021 के बाद से लेकर के अब तक हम लोग जिसमें से 300 ऑक्सीजन प्लांट अब तक स्थापित कर चुके हैं, 252 पे भी हमारा कार्य चल रहा है, शीघ्र ही हम इन्हें भी स्थापित कर लेंगे। ऑक्सीजन के क्षेत्र में हर जनपद आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त कर चुका है। HDFC ने आज गोरखपुर के ऑक्सीजन प्लांट का यहाँ पर एक औपचारिक चेक सौंपने और उसके साथ ही उस ऑक्सीजन प्लांट का वहाँ पर शुभारंभ करने की कार्रवाई को संपन्न किया है। मैं इसके लिए HDFC को हृदय से धन्यवाद देता हूँ, उनके प्रबंधन को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ। और मुझे प्रसन्नता होगी कि अगर हम लोग इस कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ा सकेंगे। प्रदेश के अंदर अन्य बहुत सारे क्षेत्र हैं जिसमें हम तेजी के साथ कार्य कर सकते हैं। वर्तमान में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर हम लोगों ने ध्यान दिया है और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में खासतौर पर PSC और CSCs को के उन्नयन की कार्रवाई हमारी चल रही है। पीडियाट्रिक ICU थर्ड वेव की दृष्टि अभी तक पीडियाट्रिक ICU के निर्माण की कार्रवाई हम युद्ध स्तर पर हर एक जगह कर रहे हैं। हमारे जितने पीडियाट्रिशियन हैं, फिजिशियन हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, टेक्नीसियंस हैं, पैरामेडिक्स हैं, नर्सिंग स्टाफ हैं, इन सब की ट्रेनिंग की कार्रवाई हमारे यहाँ लगभग पूरी हो गई है और हम लोग हर प्रकार से तैयार हैं। हमारी 72,000 निगरानी समितियां गांव-गांव में जाकर स्क्रीनिंग का काम कर रही हैं, मेडिसिन किट का वितरण कर रही हैं। बच्चों के लिए भी हमने 4 प्रकार की मेडिसिन किट उपलब्ध करवाई है, 0 से 1 वर्ष, 1 से 5 वर्ष, 5 से 12 वर्ष, 12 से 18 वर्ष। इनकी मेडिसिन किट गांव-गांव में वितरित की जा रही है। हर लक्षण युक्त व्यक्ति को मेडिसिन किट, अगले 24 घंटे के अंदर उनका कोविड टेस्ट, ये सारी सुविधाएं। और इसी का परिणाम है उत्तर प्रदेश कोरोना प्रबंधन को पूरी तरह एक बेहतर परिणाम देने में सफल रहा है। प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्यक्रम आपसे छुपे हुए नहीं हैं, चाहे वह एक्सप्रेस हाईवेज हो, इंटर स्टेट कनेक्टिविटी का हो, या फिर उड़ान योजना के अंतर्गत एयर कनेक्टिविटी का है। तेजी के साथ इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है और हम सबका लक्ष्य ही है कि प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप यूपी की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन के समकक्ष ले जाना, और इस दिशा में सारे प्रयास हो रहे हैं। इसमें बैंकों की भूमिका बहुत बड़ी होगी, बहुत महत्वपूर्ण होगी, और इस पूरी भूमिका के लिए मैं आप सबका आह्वान करूंगा। आप सबके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। तो आप सुन रहे थे CM योगी आदित्य।